नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। प्रदेश की हाइलाइट्स मेधा और अरिंदम से। आइए सबसे पहले सुने सूबे के मुखिया का ये बड़ा ऐलान। डी जिला के बना है, बाकी जिले की बात में होगी तो डी जिला और भरतपुर जिला मेरे लिए कितना महत्व रखता है आप समझ सकते हो। 19 नए जिलों में पहला जिला डी कुबेर, उसकी लॉन्चिंग हो रही है, ये मैं कह सकता हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज भरतपुर जिले में कुम्हेर के पास सैद गांव में हुई जनसभा में अपनी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि नया जिला बनने से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। इस मौके पर उन्होंने महाराजा सूरजमल पैनोरमा बनाने की भी घोषणा की। क्योंकि पिछली बार जब मैं आया था यहाँ पर तब आपकी मांग थी यहाँ पर डी को जिला बनाया जाए, डी के अंदर। अब मुझे खुशी है कि डी जिला बना, जो पहले पुराना जिला भरतपुर और अब भरतपुर भी और डी भी दो जिले बन गए। सारे काम प्रशासनिक, चाहे रेवेन्यू संबंधित हो, चाहे वो पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य सड़कें हो, तमाम काम जो है और मजबूती के साथ संपन्न होने लगेंगे। छोटे जिले बनने का फायदा यही है, प्रशासनिक मशीनरी की क्षमता बढ़ जाती है। ये सोच करके गिरार महाराज की पावन भूमि पर मुझे भी सौभाग्य मिला कि मैं डी जिला बनाने में आगे आ सका। कल ही मैंने नए जिलों के लिए 600 से अधिक पदों को मंजूरी दी जो आपकी सेवा में काम करेंगे। जल्दी ही डी में महाराजा सूरजमल के पैनोरमा में राजकीय संग्रहालय का काम शुरू किया जाएगा। सीमावर्ती जिलों का विकास सरकार की प्राथमिकता है, इस बारे में मुख्यमंत्री का कहना था। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, सरकार को ध्यान में कम जाता है, चाहे वो भरतपुर हो, धौलपुर हो, करौली हो, या वो बीकानेर और गंगानगर हो, या वो जैसलमेर बाड़मेर हो, झालावाड़ हो, बारा हो, ये हमारे जो जिले हैं बॉर्डर पर और विशेष रूप से भरतपुर धौलपुर करौली इत्यादि जिले। आपको आश्चर्य होगा इतने सारे काम, साहब 70 साल में काम नहीं हुआ, वो अब इन 5 सालों में काम हमारे यहाँ संभव हुए हैं, इतने काम आपने करवा दिए। करीब 1,000 करोड़ भी लागत सड़कों का, फ्लाईओवर का, अंडर पास आदि का निर्माण हो रहा है, 1,000 करोड़ की लागत। 10 नए खेल स्टेडियम जिले में बन रहे हैं जिससे यहाँ के बच्चों को खेलों में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिजली के लो वोल्टेज की समस्या दूर करने के लिए 1 400 kV है, 1 220 kV है, 4 132 kV और 13 933 kV के GSL बन रहे हैं। ब्रज भूमि के पावन स्थलों के विकास हेतु ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड की स्थापना की गई है। करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से ब्रज 84 कोस एवं गोवर्धन जी की परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए विश्राम स्थल अन्य सुविधाएं विकसित की जा रही है। पशुपा में करीब 5,21,00,000 की लागत से तप्त कुंड, गौशाला, चुग्गागढ़, समाधि स्थल, भागवत स्थल आदि, बद्रीनाथ एवं 3 करोड़ रुपए लागत से पशुपतिनाथ मंदिर के विकास कार्य चल रहे हैं। पेंदौर में करीब 2 करोड़ लागत से चामुंडा माँ मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार हो रहा है। लोक समाज के लिए अवंती बाई बोर्ड का गठन किया जा चुका है। भरतपुर जिला दिल्ली मुंबई रेल के मुख्य लाइन पे होने के बावजूद भी भरतपुर के जिले का विकास जितना होना चाहिए नहीं हो पाया, मैं समझता हूँ कि अब रफ्तार पकड़ी है। भरतपुर पूर्वी राजस्थान का बड़ा केंद्र है और इस इलाके के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि केंद्र इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करे। ERCP का क्या काम है 13 जिले का, प्रधानमंत्री जी अभी तक उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर नहीं रहे हैं। लगातार हर मीटिंग में बोलता रहता हूँ जो वादा किया था मोदी जी को निभाना चाहिए। 13 जिले की पानी की प्रॉब्लम स्थायी रूप से हल तब होगी तब राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, ये मैं दबाव दे रहा हूँ लगातार। और आप तमाम पूरी राजस्थान के आम जनता को कहना चाहूँगा, सब लोग दबाव बनाएंगे, 15 के अंदर इनको शुरू करना पड़ा काम 5 साल रुकने के बाद में, उसी प्रकार इनको कभी न कभी ERCP योजना को भी लागू करना पड़ेगा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में। मुख्यमंत्री ने जन्मदिन के अवसर पर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को बधाई भी दी। आज हमारे कॉम्रेड राजा, मैं इनको कॉम्रेड कहता हूँ क्योंकि ये गरीबों का मसीहा भी है, राजा तो ही है गरीबों का मसीहा भी है, आज इनके जन्म दिवस भी है। मैं अपनी ओर से आप सबकी ओर से इनको बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, ये जीवन में कामयाब हो, दीर्घायु प्राप्त हो।
मुख्यमंत्री ने यहां महंगाई राहत कैंप का अवलोकन कर लाभार्थियों से बातचीत की। उन्होंने यहां 21 करोड़ से ज्यादा की लागत के कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री ने इस क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की चर्चा की। कल रात को कुम्हेर का जो बाईपास है 98 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका और 400 KVA की जमीन जो है सब स्टेशन बनना है जिससे पूरे हमारे संभाग को बिजली जाएगी। डी कुम्हेर में तो चिंता ही मत करो, बिजली जाएगी नहीं। अब जम्पर पर डालनी है ज्यादा, उसके लिए पशुपालन विभाग ने स्वीकृति दे दी है, बैरारा पे वो बनेगा। इसके बाद मुख्यमंत्री जयपुर के जमवा रामगढ़ के पास भानपुर कला पहुंचे। यहां भी उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण के जरिए इस इलाके को कई विकास कार्यों की सौगातें दी। उन्होंने महंगाई राहत कैंप में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिलें दी और लाभार्थियों को गारंटी कार्ड सौंपे। जनसभा में मुख्यमंत्री ने कहा, आपके यहाँ आज 255 करोड़ रुपए की लागत के 18 विकास कार्यों का लोकार्पण भी होगा और शिलान्यास होगा। जमवा रामगढ़ में 41 करोड़ लागत के अपग्रेडेड उप जिला अस्पताल, भानुपुरा कला में 6 करोड़ रुपए के CHC का लोकार्पण भी होगा, 80 करोड़ रुपए की लागत के 2 सड़कों का लोकार्पण होगा। अभी सिविल डिफेंस प्रशिक्षण केंद्र दौलतपुरा मातासुर में एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, पुलिस थाना जमवा रामगढ़, रायसर थाने के नए भवन का लोकार्पण भी होगा। इससे पहले कल शाम CMR में देवली, सांभर और फुलेरा के प्रतिनिधिमंडलों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। उन्होंने महंगाई राहत कैंपों के जरिए जनता को दी जा रही राहत के लिए आभार व्यक्त किया और नए जिलों में समायोजन के लिए ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सांभर में कन्या महाविद्यालय खोलने, सांभर CHC को उप जिला अस्पताल और भादवा के सब सेंटर को PHC में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इसी तरह माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य और मौर्य समाज का प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मिला। प्रतिनिधियों ने जन कल्याणकारी योजनाओं और MRC के लिए उनका आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षित और स्वस्थ समाज ही प्रगति का आधार है। प्रदेश का कोई भी नागरिक शिक्षा और स्वास्थ्य के लाभ से वंचित नहीं रहे, यही राज्य सरकार का उद्देश्य है। और अब बात मुख्यमंत्री स्तर पर हुई कुछ स्वीकृतियों की। तीर्थराज पुष्कर के घाटों के पुनरुद्धार और विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 80 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए कला और संस्कृति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। CM ने अलवर के बगड़ तिराहे से शिथल तक करीब 8.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए 11.71 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सड़क निर्माण से इस इलाके की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जोधपुर जिले में बोरानाड़ा का सब सेंटर PHC में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके संचालन के लिए 9 नए पद बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। और अब बढ़ते हैं आगे। स्टेट लेवल एम्पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी ने 432 करोड़ 22 लाख रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। ACS IGNP डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में जयपुर में हुई बैठक में यह निर्णय किया गया। इस राशि से नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण, नए एनिकट निर्माण, तालाबों के पुनरुद्धार और मरम्मत संबंधी काम कराए जाएंगे। पार्वती मुख्य नहर के सुदृढ़ीकरण पर 241 करोड़ 25 लाख रुपए खर्च होंगे। अब सुनिए जिलों का राउंड अप। प्रताप नगरी उदयपुर को सीवरेज समस्या से मुक्त करने के लिए बड़ा अभियान छेड़ा गया है। इसके तहत 14 वार्डों के लिए नई सीवरेज लाइन का शिलान्यास किया गया। असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इनकी आधारशिला रखी। ये काम पूरा होते ही झीलों की नगरी के करीब 73% हिस्से को सीवरेज समस्या से निजात मिल जाएगी। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मोहम्मद ने जैसलमेर के लाठी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मूर्तियों का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि इन विभूतियों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर इस देश को बहुत कुछ दिया है। बीकानेर के श्री कोलायत में 2 प्राइमरी स्कूलों को मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किया गया है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि इससे स्थानीय स्तर पर शिक्षा की सुविधा बढ़ेगी। विधायक राजकुमार गौड ने श्री गंगानगर के मनफूल सिंह वाला में विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी जिले में जिला परिषद CEO ने सादुल शहर पंचायत समिति का निरीक्षण किया। उन्होंने EVM की कार्यप्रणाली, मनरेगा रोजगार, खेतों में जल संचय, पशुपालन नवाचार और आंगनबाड़ियों में शौचालय निर्माण संबंधी प्रगति की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए।
देश की पहली इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब कोटपुतली में आदर्श बन रही है। नया जिला बनने की मुस्कुराहट समेटे फिलहाल जयपुर जिले का कोटपुतली ऐसी लैब का संचालक है जहां सभी बड़ी जांचें एक छत के नीचे उपलब्ध हैं। ACS हेल्थ शुभ्रा सिंह ने इसका निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसी 10 लैब बनाई जानी है। उम्मीद है कि कोटपुतली लैब आदर्श होगी। नमस्कार।